आइसक्रीम खा लो फ्रेंड्स। आज संडे है, उठने का मन नहीं कर रहा, नींद में हूँ अभी भी, बहुत लेट हूँ, 2 बज चुके हैं। मम्मी घर पे है नहीं, अभी अभी उठा हूँ, मैगी बना ली है क्योंकि आती है बनानी, बस मैगी रेडी है, एकदम ड्राई मैगी खाता हूँ मैं। उसको बनाने का तरीका भी अलग होता है। कमेंट्स में बताओ ये आवाज़ किस चीज़ की है। अब संडे है तो सर तो धोना ही पड़ेगा, सर धोता हूँ फिर मिलते हैं। हाँ जी, किद्दा ठीक हो? फिर आज संडे था, आज का दिन मैं बहुत लेट उठा हूँ क्योंकि ऑब्वियस सी बात है संडे वाला दिन छुट्टी होती है तो बंदा सोएगा ही। अब मैं रात को भी बहुत लेट सोया था, एडिटिंग करी थी व्लॉग, जो कल वाला व्लॉग था मैंने एडिट करके सुबह ही शेड्यूल कर दिया था, वो अपलोड हो चुका है और अभी बज रहे हैं दिन के 4:30। और सिमरन और मानसी का कॉल आ रहा है कि भाई फटाफट से तू आ जा, बट लेकिन आज सिर धोना था तो मैं थोड़ा लेट हो गया। अब हम चलते हैं उनके पास और उनको पिक करते हैं और फिर आगे चलेंगे लंच के लिए। एंड ऑफ कोर्स ये तो रिचुअल से बाहर जाने के लिए गई, तो इसको फटाफट से हम स्प्रे करते हैं। तो अभी मैं रेडी हो गया हूँ और आज का आउटफिट मेरा ये है। कमेंट्स में बताना गाइस, लाइक और डिसलाइक। चलो सन ग्लासेस तो लगाने ही लगाने हैं, इससे थोड़ी सी हमारी लुक और एनहांस हो जाती है। कैसे लग रहे हैं ये? साइड प्रोफाइल से देखो, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया आज मैं, उनका फ़ोन पे फ़ोन आया जा रहा है और पाजी को टाइम लग गया आज ज़्यादा नहाने धोने में। फटाफट से गाड़ी घुमा रहा हूँ, भगा रहा हूँ कि पहुँच जाऊँ, उनके फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे हैं कि भाई तूने पागल बना रखा है, 2 बजे से उनको लारा लगा रखा है कि भाई आ रहा हूँ और कॉल पे कॉल आ रहे हैं। अभी वीडियो बना रहा हूँ, ऊपर कॉल बज रहा है भाई, ये बहुत लेट हो गया। गड्डी मेरी तेनू ही आवाज़ मार दी, ब्लैक लैदर सीटा उत्ते आ बैनी, आगे मुझे गाना नहीं आता जी। भाई फटाफट से निकल रहे हैं, फटाफट उड़ाते हुए गाड़ी जा रहे हैं, शू शपाट करते हुए, हट जाओ सारे। मुझे समझ नहीं आता कि यार ये मेरी गाड़ी की एवरेज इतनी कम दिखाती है, ये सबके पास जिनके पास भी पेट्रोल सेल्टोस है सबका यही हाल है। पता नहीं यार, समझ से बाहर है भाई, मतलब इसको कभी निकालो 2000 से कम का पेट्रोल ही नहीं लगता। अब गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा लाएगा यार, कहाँ से लाएगा, तो परेशान हो गया हूँ भाई। इसीलिए मैं तो कर रहा हूँ प्लान कोई डीजल गाड़ी लेने की, डीजल ऑटोमेटिक, 15 से 20 लाख की रेंज है अपनी। सजेस्ट करो कमेंट्स में कि भाई कौन सी गाड़ी बेटर रहेगी डीजल ऑटोमेटिक में, जो दिल्ली शहर में ट्रैफिक में भी चले तो कम से कम एवरेज तो दे अच्छी। ये देखो हर जगह ट्रैफिक, घर से बाहर निकलना गुनाह हो जाएगा अगर ये ट्रैफिक ऐसे ही रहा ना, बढ़ता रहा। हर किसी के पास गाड़ी है, हर किसी को गाड़ी पे घूम, हमें भी तो घूमना है, सबकी क्या गलती है, हमारी भी तो गलती है। भाई यार सोसाइटियों में भी ट्रैफिक, मैं तो ट्रैफिक से इतना परेशान हो गया हूँ ना कि मैं अगर वो बन गया ना ट्रैफिक मंत्री तो मैं सबकी गाड़ियाँ चलानी बैन कर दूँगा। खाली मेरी गाड़ी चलेगी रोड पर। क्या आप देखना चाहते हो मेरी गाड़ी रोड पे? वोट करेंगे आप मुझे ट्रांसपोर्ट मंत्री बनने के लिए? वोट करेंगे? अगर करेंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। बाकी और कुछ नहीं चाहिए मुझे, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, बस एक सब्सक्राइब चाहिए, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो। अब पहुँच गया हूँ मैं सिमरन मानसी के घर के बाहर, यहाँ अभी ट्रैफिक है, देखो गाड़ियाँ उड़ती भी आ रही हैं, घुसे जा रही हैं, शर्म ही नहीं है, रुक जाए, ट्रांसपोर्ट मंत्री आ रहा है। ट्रांसपोर्ट मंत्री बन गया ना मज़ा आ जाएगा, लेवल ही नहीं रहेगा फिर तो। ये देखो ये खड़ा, आ तेरी क्या बात है, क्या बात है। हाय गाइस। हेलो हेलो,
भाई सॉरी फॉर द लेट। कोई नहीं ब्रो, चलते हैं फिर हम एंजॉय लेने। तू गाड़ी चला ले भाई। ना, ना, चल। अबे चला ले एक मिनट भाई। मैंने चला रहा। अबे भाई मैंने ब्लॉग बनाना, पागल है तू? पागल मत हो। अरे मैंने चला रहा यार। अरे तो हम जा कर रहे हैं आज कैफे डे फ्लोरा ब्रो। कहाँ पे है ये? है सीपी साइड। सही है जगह? जगह तो बहुत बढ़िया। ओ माय गॉड, ब्यूटी ऑन रोड। वाओ, नेहरू पार्क द चनक्या के पास है। मतलब चनक्या तो भाई वो हो गया ना अपना ताज। हाँ, चनक्या बस उधर ही है। तो वहाँ जाना है। हाँ। एम्बियंस कैसे, क्राउड बढ़िया? अरे कांड फाड़। देखो जी इसने खाली वकी है, मैंने नहीं वकी, मैं शरीफ हूँ। ये देखो सेंट्रल दिल्ली में आते ही पुलिस वाले तो ऐसे खड़े होते हैं शिकार करने के लिए, पकड़ लें। अब हमें पकड़ नहीं सकते, हमने तो पहनी सीट बेल्ट। ये देखो इसे कहते हैं सीट बेल्ट, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। बस हम पहुंच गए कैफे द फ्लोरा में, पार्क करके आपको दिखाते हैं एम्बियंस क्या है अंदर का। My own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanity. ये देखो मैरिड कपल्स जाते ही फोन निकाल लेते हैं, वीडियो बना देते हैं, फोटो बना लेते हैं। संगनी फेस्ट चल रहा है यहाँ पे सेंट्रल दिल्ली में जहाँ हम आए हैं। पहले थोड़ा यहाँ घूम लेते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। सही लग रहा है यार। मान से कुछ पसंद है? देख 20% डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे, कुछ तो ले ले। ये सारी हैंडमेड पेंटिंग्स, ये यहाँ पे सारी एयरफोर्स वालों की वो लगे हुए हैं टेंट। मतलब एयरफोर्स वाले जो होते हैं वो अपना माल बेच रहे हैं, एग्जीबिशन टाइप बोल सकते हो। बीवी कपड़े देख रही है, पति टेंशन में, खर्चा ना हो जाए। चलो भाई कैसा लग रहा है खर्चा करके? सिदक भैया पैसे देना। सिदक भैया तो खुद YouTube मनी का हिसाब पे रुके हुए। कितने का है ये? 700 रुपये का। सही है, वर्थ इट है यार। AF एनडी मतलब एयर फोर्स वालों का है ये। एनडी का मुझे भी नहीं पता, AF का पता है एयर फोर्स, एनडी का मुझे नहीं पता क्या है। अब यहाँ से चलते हैं कैफे डी फ्लोरा, देखते हैं कैसा बना हुआ है। भाई तो बोल रहा है बढ़िया है, लेकिन हम खुद देख के बताएंगे कैसा है। ये है कैफे डे फ्लोरा। एम्बियंस तो बढ़िया है यार। कैफे डे फ्लोरा में 20 मिनट्स की वेटिंग चल रही है, तो हम थोड़ा सा यहाँ घूम रहे हैं। बढ़िया तो बना हुआ, रील बनानी है तेरे को। यहाँ व्लॉग ढंग से नहीं बन पा रहा, तो रील की पड़ी हुई है, देख रहे हो? क्या करें हम इन औरतों का। देखो देखो डॉगी देख, टिशू खा रहा है डॉगी यार। डॉगी नहीं, डॉगी नो डॉगी। कैफे डी फ्लोरा से फोन आ गया है, टेबल हो गई है फ्री, चल रहे हैं वहाँ पे। पानी का रेट देख रहे हो? ये बॉटल को साइड कर दो भाई, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना इसमें किसी को। यहाँ के ड्रिंक्स एक नंबर है, सही में यमी है, बहुत यमी। दिखाइयो, मैं ट्राई करता हूँ।
पिंक ब्लॉसम बताइयो कैसी पिक है। स्लशी है ना, जेन्युइन रिव्यू दियो। चल चल हिंदी में बता दे भाई। बबल गम जैसी है। दिखाइयो कितना बिल आया। सही है यार, बिल तो सही आया। इतना खाना मंगाने के बाद भी 2300 का बिल आया खाली। एक हमारी बहन साथ में आई है, उसको ये फोन करके जला रहा है कि तू आई नहीं, इतनी बढ़िया जगह है। बिचारी फोन करके पछता रही है, यार मैं क्यों नहीं आई। अब हम यहाँ से निकले कैफे डे फ्लोरा से। फूड इज यमी एंड एम्बियंस इज गुड। थोड़ा सा अटक गया, कोई बात नहीं। बट लेकिन मज़ा आ गया, अच्छी जगह है, आना ज़रूर कैफे डे फ्लोरा। ये अशोका होटल के बिल्कुल सामने है। और अब हम देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, फिलहाल डिसाइड नहीं है। कहाँ चलना भाई? सीपी चलें क्या? चलो सीपी चलो यार, चलो जी सीपी में जाके मिलते हैं। गाइस प्लान में थोड़ा सा चेंज है क्योंकि हमारे साथ लेडीज है। लेडीज कह रही है कि मुझे शॉपिंग करनी है। अब हम जा रहे हैं DLF प्रोमेनाड मॉल, तो वहाँ जाके कुछ शॉपिंग शॉपिंग करनी है, वहाँ जाके कुछ फन करते हैं। ढिंचक ढिंचक पूजा वाला। कौन कौन करा रहा है किसको शॉपिंग? मानसी करा रही तेरे को आज? मैं सिमरन को सिद्धक मेरे को। तेरे क्या रिव्यूज है शॉपिंग वाले मामले में? घर चले यहाँ से यूटर्न है भाई। भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो खाने का जुगाड़ नहीं है। मैं कहाँ से शॉपिंग करा दूंगा किसी को। ये सोच रहे हैं पता नहीं मेरे पास कितना पैसा है। सच बता, इन्हें सच नहीं पता मेरे पास खाने का जुगाड़ नहीं है। भूख लगती है, किसी से मांग के खाता हूँ। ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं पार्किंग में, जा रहे हैं गाड़ी लगाते हैं फिर चलते हैं ऊपर मॉल में, देखते हैं क्या मिलता है शॉपिंग के लिए। पार्क कहाँ करिए, गाड़ी याद ही नहीं रहता यार। D245 और D46 के बीच में। स्टारबक्स के वाउचर के लिए पासी यहाँ पे 2 स्टारबक्स के वाउचर मिल रहे हैं जिनके 1000 से ऊपर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है। दिखाइए मानसी तेरे कितने? 1293 हो जाएगा तेरा काम। ये करवा ले भैया, कर देंगे तेरे। बताओ यार फ्री वाउचर के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। फ़ोटो क्लिक करके ये सारी इंस्टाग्राम पे डाल के ये सारे हैशटैग वगैरह डालने हैं, तब जाके इसको स्टारबक्स के और मिल गया इसको वाउचर स्टारबक्स का। खुश है मानसी? बहुत खुश है। जा रहे हैं स्टारबक्स, देखते हैं इसमें कूपन में क्या मिल सकता है। कॉफ़ी भी पी लेंगे और कुछ खा भी लेंगे। आ गए स्टारबक्स कूपन का मजा लेने। स्टारबक्स गए हैं, वहाँ प्रॉपर्टी हो गया। वो कह रहा है कि बाद में आपका कूपन यूज़ में होगा, आज के दिन नहीं होगा। बेचारी मानसी का मूड अपसेट हो गया। इतने मन से उसने फ़ोटो करवाई थी वीवो के लिए कि कॉफ़ी मिलेगी, मिली ही नहीं। ये मिनी सू में कार के परफ्यूम्स हैं, कार डिफ्यूज़र। यार ये बढ़िया लग रहे हैं। ग्लेशियर जगुआर। कौन सा है ये? ग्लेशियर जगुआर। ये कौन सा है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बढ़िया रहेगा ना, ये ले लेते हैं एक। अरे है तो वो है ना, लेडीज है ना ये सारे। बढ़िया बना रखे हैं लेकिन, नाइस। तला में छुपा रखे हैं। 350। अरे बुरे तो नहीं है यार। होलसेल मार्केट में भी 200-250 रुपये से कम का नहीं आता, यहाँ भी 200 रुपये के ही हैं। सही है लेडीज़, जब आपको चाहिए हो मिनीसू आ जाओ। ये जो कार होल्डर लेना था मेरे को खुद, एक यहीं पे मिल गया मिनीसू में। एक ये मैग्नेटिक है, ये तो मुझे लग रहा है सेफ नहीं है। ये वाला देखता हूँ, ये वाला निकालना भी एक बारी। इसकी क्वालिटी सही लग रही है थोड़ी, 450 का है। आपके पास भी है वो जो मिरर पे चिपकता वो वाला? नहीं है नहीं सर, वो नहीं। अभी हम पे ये दो
ये सही लग रहा है यार, क्वालिटी चेक कर लूँ कैसी है। अच्छा ये इसके पीछे कनेक्ट हो जाएगा ऐसे, है ना? हाँ ये लूज करके होगा। ओके और ये पीछे कैसे होगा? चलो कोई नहीं, ये आप दे दो, मैं कर लेता हूँ। उससे ये टाइट होता है आपका। कोई नहीं, ये पैक कर दो आप वापस। ये कार्ड होल्डर भी है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। ये भी ले ही लेते हैं यार, मनी मनी यहाँ आ जाएगी, कार्ड से यहाँ आ जाएंगे, है ना? सही लग रहा है ना? हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैंने तो अपने लिए तीन चीज़ें ही ली हैं, गाड़ी का परफ्यूम, फ़ोन होल्डर और अपना वॉलेट। वॉलेट बहुत प्यारा लगा, छोटा सा, मैं ऐसे यूज़ करता हूँ। गाड़ी ढूँढ रहे हैं, इसमें कम से कम 10-5 मिनट लग जाएंगे। हर बार का हो गया ये तो, जब भी गाड़ी लगाओ भूल जाते हैं, लेकिन हमने वीडियो बना रखी है, अब उनसे पूछते पूछते जा रहे हैं। स्मेल्स गुड, ये मिनी सू का बढ़िया प्रोडक्ट लगा है मेरे को, है सी मेरा। हाँ चीज़ तो बढ़िया है भाई, ये ऐसे लग जाएगा यहाँ पे। अच्छी खुशबू दे रहा भाई, चलो भाई। यार क्या लग रही है रूबी कौन चलती हुई रोड पे, बंदे ने सजा रखी है गलत ही। दिखाता हूँ मैं अभी ऊपर आगे करके थोड़ी, ये देखो कम से कम 24 इंच का लोहा डलवाया होगा, ऐसा लग रहा है गैंगस्टर जा रहा है कोई अंदर। इसके बज रहे 9:15 और इनको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ घर पे। चल भाई, चलो ओके बाय बाय, मिलते हैं, चलो ओके बाय, ओके बाय बाय, गुड नाइट। अब हम भी चलते हैं घर, मैं अभी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, नींद आ रही है गाड़ी ड्राइव कर कर भी पूरा। देखो ट्रैफिक है अभी भी। और इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड। आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई लव यू।